हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सभी को पता है कि अब तो ठंड है और ठंड में काम तो लेट ही होता है, लेकिन अभी भी टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 8:45। तो ये भी ऑफिस चले गए हैं 8 बजे ही, 8:15 बजे चले गए थे। तो फिर हम बैठते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद हम करेंगे काम। अभी मेरा बेटा जो है वो सोया हुआ है, मेरा बेटा भी सोया हुआ है, और मैंने वो उठेगा तो गर्म पानी पानी मांगेगा, मामा मम। तो पहले मैंने पानी गर्म करके इसके लिए रख लिया है, और साथ में दूध की बोतल भी इसके लिए रख ली है कि उठेगा तो शायद मैं इसको मैं फटाफट से दे दूंगी, वरना ये उठता है तो गोदी ही खोजता है तो रोने लग जाता है, फिर मैं जाऊंगी लेने जाऊंगी आऊंगी तो ये रोता रहता है तब तक। तो मैंने इसके लिए पहले तैयार करके रख लिया है, और उसको उठाऊंगी तो भी ये रोएगा, या अपने मन से उठेगा तब सही है, वरना तो ये भी रोएगा। तो हम बैठ जाते हैं, थोड़ी सी चाय वाय पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, गर्म हो जाते हैं रजाई में बैठ के थोड़ी देर, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। डेविन बेटा, हाय मेरा गुल्लू बुल्लू, जोई जोई कर रहा है मेरा लाडो, जोई जोई कर रहा है, ये घुमा के इधर मुंह घुमा के उधर मुंह। तो गाइस चलो पी लेते हैं चाय और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं सुबह, क्योंकि जल्दी उठते हैं ना, इनको जल्दी जाना होता है। तो 6 बजे उठ के फटाफट से लंच में सब तैयार व्यार करके इनको भेज देती हूँ, या 8:45 बजे तक निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर काम वाम करती हूँ, फिर इसको उठाऊंगी, इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर वही टाइम हो जाता है 9:30-9:10 बज जाते हैं, फिर अपने घर के काम वाम कर लेती हूँ। तो घर के काम भी 11 बजे तक सारे हो जाते हैं, 11 नहाना धोना सब कुछ हो जाता है फिर। हे गाइस, तो भी गुड मॉर्निंग हो गई, और मेरा बेटा जो है भी वो सोया हुआ है, तो मैं इसको सोता हुआ छोड़ के बनाऊंगी मैं फटाफट से खाना। तो मैं बनाऊंगी ये पत्ता गोभी जो मैंने काट लिया है, और साथ में इसमें फूल गोभी भी है। मैं बनाऊंगी नमकीन चावल, तो नमकीन चावल के लिए मैंने डाल दिया है ये गोभी, इसमें गोभी है, और ये अच्छे से भून जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल दूंगी। तो सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगी इसमें बने हुए चावल, चावल को अच्छे से खोल खोल के इसमें डाल दूंगी, फिर अच्छे से मिक्स कर दूंगी, 2 मिनट के लिए बनेगा, हो जाएगा। मेरी जो सोयाबीन है वो बॉयल हो गया, उसको मैं अच्छे से निकाल कर इसको अच्छे से निचोड़ के और फिर मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने इसमें सारी सोयाबीन डाल दी और मैं इसको अच्छे से कर लूंगी रोल, मिला लूंगी मैं इसको अच्छे से और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो गाइस मेरे बन गए हैं चावल, नमकीन चावल, आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। और साथ में मेरी बन गई है चाय, मैं फटाफट से लंच में पैक कर देती हूँ। तो मैंने टिफिन में मैंने डाल दिया है। क्या कर रहे हो? जूता पहन रहे हो? जाने की तैयारी है ना? अच्छे से ठीक है, गाना भी गाते हो? ये गाना भी गाते हैं। हे गाइस, तो मेरा बेटा भी सोया हुआ है, और अभी वो उठेगा तो फिर दूध के लिए रोएगा, तो फिर मैंने इसलिए उसके लिए पहले दूध बना के रख लिया है, और साथ में मैं भी थोड़ी सी ले लेती हूँ चाय दूध में पत्ती डाल के, और थोड़ा सा हम करते हैं रेस्ट। ये भी जा चुके हैं ऑफिस और टाइम हो गया है 8:30, तो ये उठेगा, उससे पहले उठते पानी मांगेगा, तो फिर मैंने इसके लिए पानी गर्म करके रख लिया है, और साथ में दूध में बोतल रख दी है दूध की, अभी ये उठेगा। डेविन अभी नहीं उठेगा, अभी इसको नींद है। हे गाइस, तो मेरा बेटा जो है वो सो के उठ गया है, तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है। मेरे बाबू भूख लगी है? कह रहा है भूख नहीं लगी,
अच्छा चाय पी रहा है ये, पी लो चाय खत्म करो। हाँ देखो इसको चाय बोल के पिलाती, क्योंकि ये दूध दूध मतलब ऐसे पीता नहीं है, अगर मैं दूध बोल दूँ तो ये नहीं पीता है। तो मुझे पता था कि अब ये उठेगा ना, अपनी नींद पूरी करके ये उठाया तो नहीं रो रहा है। अगर ये बाय चांस अपने आप ही मतलब नींद है इसको और बीच में उठ जाता है, कोई इससे उठा देता है, तब तो ये बहुत रोता है, फिर बहुत मुश्किल से संभालती हूँ इसको। तो अभी ये उठ गया, आज ऐसे ही फोन दे दिया मैंने इसको, अपना फोन देख रहा है, ये कार्टून देख रहा है। क्या देख रहा है? ट्रैक्टर देख रहा है, ट्रैक्टर देख रहा है, ट्रेन देख रहा है, जहाज देख रहा है, बस यही इसको देखना है। तो मैंने इसको लगा दिया है कार्टून, अब ये देख रहा है कार्टून, और साथ में इसको दे दिया मैंने दूध की बोतल भी, और मुझे लग रही है ठंड, पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है यार, मन नहीं करा काम करने का। मैंने भी चाय पी ली है, अब मैं करूंगी झाड़ू वगैरह और पोछा लगाऊंगी, उसके बाद पूछती हूँ मम्मी यार को खाना खाएंगी, तो फिर मैं दे आती हूँ नीचे खाना। आज तो कपड़े वगैरह नहीं है मेरे पास। अच्छा तो आपको आपने पीछे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जो मेरा मेकअप मैंने किया था सिंपल मेकअप, वो आप सबको कैसा लगा, और आगे जो मैं बनाऊँ वो किस चीज का व्लॉग बनाऊँ। है जहाज जहाज, उसमें देख लो बेटा, उसी में देख लो, उसमें है जहाज, माँ जहाज, मामा जहाज, जहाज पी लो, खत्म करो इसको जल्दी जल्दी, खत्म नहीं हुआ अभी, देखो कितना सारा बचा है, देखो रखा है उसमें, खत्म नहीं है, पियो उसको, पियो बेटा जा जा। हाँ डोल है उसमें, डोल है ना उसमें। अच्छा नमस्ते कर दो, राम राम करो, गुड मॉर्निंग बोला आपने, राम राम करो, दादा 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 नीचे है, दादा ऊपर नहीं है नीचे है, इसको लग रहा है कि छत पे होंगे तो इसलिए कह रहा दादा। पापा ड्यूटी चले गए, पापा ड्यूटी गए हैं, चाचा अपने घर है। तो हे गाइस, तो मैं लगा रही थी फटाफट से पोचा, झाड़ू लगा दी है मैंने, बर्तन भी धो लिया मैंने, स्टैंड मेरा टूट गया है इस वजह से मैं स्टैंड में नहीं लगा पाती हूँ फोन को। तो गाइज आपके वहां जो ठंड है वो कैसी है ये मुझे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे जो है ठंड वो 7 डिग्री सेल्सियस पे है, ठंड है काफी। तो आप बताना कि आपके वहां पे ठंड कैसी है, कल 7 थी आज 6 है, भगवान ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये डेविन, डेविन क्या कर रहा है, डेविन क्या कर रहा है, अरे बाइक कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, अच्छा ऐसे चलती है, और चूहा कैसे बोलता है, चूहा कैसे बोलता है, ऐसे तो बाइक चलती है, चूहा बोलता है चू चू चू, बताओ कैसे बोलता है, चू चू मेरे बच्चे कहाँ चलूं, चूहा पापा पास जाएगा, पापा तो टूट ही गए, आप पापा पास कहाँ जाओगे, मुझे कहेगा चल चल, अब इसको इतने अच्छे से बोलना नहीं आता ना, चल मम्मा पापा पापा मतलब, तो पापा पास चल, दादा दादा पास जाना है। तो गाइज मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करना, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और व्लॉग अच्छा लगता है तो उसके लिए एक लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपके वहाँ ठंड कैसी है, आपको मेरे उस आपको मेरे बारे में और क्या जानना है, और किस चीज़ का मैं व्लॉग नेक्स्ट टाइम में व्लॉग लेके आऊँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको किस तरह का चाहिए, किस चीज़ के बारे में मैं बनाऊँ, वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे को बहुत सारे काम करने हैं तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये फिर रोने लग जाएगा, ठीक है, और साथ में मेरा जो स्टैंड है वो मेरा तोड़ दिया है, गिरा दिया था, तो इस वजह से मैं उसमें नहीं लगा सकती, देख सकते हैं आप मेरा स्टैंड रखा हुआ है उधर एक, तो
मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय।